देश की 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। इन सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ जबकि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है। 11 बजे तक दोनों सीटों पर क्रमशः 19.84% और 18.81% वोट पड़े हैं। वहीं पंजाब की संगरूर लोकसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। संगरूर लोकसभा सीट पर 11 बजे तक 12.75% वोटिंग हुई। संगरूर लोकसभा सीट में जिनमें 8,30,056 पुरुष और 7,39,140 महिलाएं और 44 ट्रांसजेंडर हैं। कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने पार्टी के संगरूर जिला प्रभारी गुरमेल सिंह, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने धुरी के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी, भाजपा ने बरनाल के पूर्व विधायक केवल ढिल्लो को अपना उम्मीदवार बनाया। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान भी चुनाव मैदान में हैं। मगर इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट की हो रही है। आजमगढ़ में सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे, मगर 2022 में विधायक बनने के बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस सीट को अपने पास रखने के लिए, तो वहीं सत्ताधारी भाजपा भी कोई कसर बाकी नहीं रख रही। इन दोनों के बीच एक तीसरा प्रत्याशी भी है जो दोनों ही पार्टियों का खेल खराब कर सकता है, वो है बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के लिए 3 जनसभाएं करके वोट मांग चुके हैं, मगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अभी तक आजमगढ़ में प्रचार करने के लिए नहीं आए। 21 जून को चुनाव प्रचार बंद हो गया। गौरतलब है कि 1998 में एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी बसपा के टिकट पर अकबर अहमद डंपी इस सीट से जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, वरना पिछले 38 सालों से यादव प्रत्याशियों का ही इस सीट पर दबदबा रहा है। मेडिग्लो हेल्थ केयर, जहां एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडिग्लो हेल्थ केयर, महानगर, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।